चंदेरी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुरादपुर में चुंगी नाका तिराहे के पीछे शासकीय भूमि पर स्थानीय व्यक्ति द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लाखों रुपए की बेश कीमती भूमि पर निर्माण कार्य कर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसको लेकर ग्राम पंचायत में हुई ग्राम सभा की बैठक में पंचों द्वारा प्रस्ताव बनाया गया कि शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाया जाए, तो ग्राम पंचायत सरपंच मुकेश रघवार द्वारा पंचनामा सहित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी से लिखित में शिकायत की गई। जब इस संबंध में ग्राम पंचायत सरपंच मुकेश रघवार से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं। चंदेरी से नाम बताएं पहले आप। मुकेश रघवार, सरपंच मुरादपुर। अच्छा, मुरादपुर से। आपने भी सोशल मीडिया पे कुछ लिख के डाला है कि आपकी ग्राम पंचायत में अतिक्रमण किया जा रहा है, तो क्या है पूरा मामला? मुरादपुर पंचायत में चुंगीना का भवन के पास जो शासकीय भूमि है, राजस्व की भूमि है, जिस पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके संबंध में हाल ही में हुई ग्राम सभा में ग्रामवासियों द्वारा प्रस्ताव रखा गया है कि अवैध कब्जे को हटाया जाए, उक्त भूमि को कब्जे से मुक्त कराया जाए, जिसके संबंध में हमने SDM महोदय को पत्र दिया है, तहसीलदार साहब को भी पत्र दिया है और उसकी प्रतिलिपि कलेक्टर महोदय को भेजी है, जिससे अवैध अतिक्रमण हटाया जाए, उस भूमि पर पंचायत को कोई निर्माण कार्य किया जाएगा जिससे पंचायत को आय होगी। अच्छा, शिकायत करने के बाद कोई जवाबदार अधिकारी यहाँ पे आया है कि? अभी तक तो कोई नहीं आया है। अभी कोई नहीं आया है, तो इसकी शिकायतें और कहाँ कहाँ की हैं आपने? इसकी शिकायत अभी तहसीलदार साहब को की है और SDM साहब को की है, जिसकी प्रतिलिपि कलेक्टर महोदय ने भेजी है। अगर जवाबदार अधिकारी आपकी सुनवाई नहीं करते हैं, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कलेक्टर साहब के समक्ष जाएंगे, जन सुनवाई में बात रखेंगे। सब अवैध भूमि, शासन की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको भूमि से मुक्त कराया जाए। ये कितनी भूमि होगी जिनमें अतिक्रमण किया जा रहा है? ये करीब एक एकड़ से ज्यादा ही होगी। सीताराम अहिरवार की रिपोर्ट।